असलम एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे अलमदिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो हमारी वेट लॉस की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है बहुत अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है तो आज इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऐसे जबरदस्त से डिनर आइडियाज़ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे तो चलें जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये वेट लॉस सूप की है बहुत ही अमेजिंग सा बनेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया था ऑलिव ऑयल थोड़ा सा बिल्कुल समझ लें एक टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया एक टेबल स्पून के करीबी लहसन अदरक का पेस्ट साथ ही मैंने इसमें डाल दिए थोड़ा सा चिकन बोनलेस चिकन हम ले लेंगे अगर आप लोग बोनलेस नहीं लेना चाहे तो बेशक आप बोन्स के साथ ही ले लीजिएगा थोड़ा सा ले ली क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बनाएंगे इसके बाद मैंने इसमें नमक भी ऐड कर लिया नमक आपने हसबे जायका डाल देना है जितना आपको पसंद हो नमक डाल दीजिएगा हल्का सा आपने इसको भून लेना है इतना कि चिकन का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए फिर हमने इसमें पानी डाल देना और इसका अच्छा सा स्टॉक प्रिपेयर कर लेना तो ये बड़ा अच्छा सा चिकन स्टॉक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा साथ ही मैंने इसमें जो है ना सब्जियाँ डाल दी थी जो भी आपके पास सीजनल वेजिटेबल्स हों डाल दीजिएगा मैंने इसमें गाजर बंद गोभी शिमला मिर्च डाल दी थी और साथ ही इसको भी हल्का सा बॉइल दे दिया था चिकन को स्प्रेड कर लिया और इसमें मैंने डाल दी काली मिर्चें ये भी अप टू योर टेस्ट है जितना टेस्ट आपको पसंद हो उतना आप डाल दीजिएगा इसको अच्छे से मिक्स कर लें और हल्का सा मिक्सर अच्छा वेजिटेबल्स को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना ऐसा नहीं करना आपने कि इनका कलर चेंज हो जाए और ये बहुत ज़्यादा गल जाए अच्छा थोड़ा सा इसमें आपने कॉर्फ्लावर ऐड कर लेना है मुझे कमेंट आया था कि जी कॉर्नफ्लावर तो हेल्दी नहीं है आप सूप में क्यों ऐड करिए तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा कर लूँ वैसे बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप बिल्कुल क्लियर सूप ले कॉर्नफ्लावर ऐड ना करें ठीक है मैं बार बार कहती हूँ बट अगर टेस्ट करें थोड़ा सा ऐड करें तो थोड़ा सा ही आपको करना है इसके बाद मैंने इसमें सॉसेस डाल दी चिली सॉस डाल दी थी सोया सॉस डाल दी थी थोड़ी सी मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस डाली थी सिरका डाल दिया था तो ये सब चीज़ें भी आपके टेस्ट में जितना आपको पसंद हो डाल दीजिएगा अगर इसके बगैर भी आप पी सकते हैं तो वेल एंड गुड इसके बगैर भी आप पी सकते हैं ठीक है क्योंकि नमक एंड कॉली मिर्चें जो मैंने इसमें डाल दी है ना वो भी इनफ होंगी अच्छा जी ये चीज़ें इसमें मैंने डाल दी इसके बाद ये सूप हमारा रेडी हो गया एक बॉल सूप का आप ले सकते हैं अपने डिनर में हेल्दी सूप है भूख भी नहीं लगेगी और साथ ही साथ आपको जो है ना बड़ा अच्छा सा ऐसा लगता है ना इस तरह की कोई लाइट चीज़ खाते हैं बड़ा लाइट लाइट सा इफेक्ट आता है मतलब भारी भारी नहीं लगेगा तो यहाँ पर जो है ना ये सूप हमारा रेडी हो गया अब चलते हैं जी आज की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ तो वो भी चिकन से ही बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया तो चिकन मैंने यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया था और वो मैंने इसमें डाल दिया और चिकन में मैंने डाल दिया था तंदूरी मसाला आप चाहें तो इसमें तिखा मसाला ऐड कर दें घर के मसाले ऐड कर दें जो आपकी मर्जी हो साथ ही इसमें मैंने लेमन जूस का ऐड कर दिया था नहीं है तो इसमें बेशक आप व्हाइट विनीगर यानी सफेद सिरका डाल दीजिएगा और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया तकरीबन एक से डेढ़ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा और इगैनो मैंने डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने इसको एयर फ्राई करना है एयर फ्राइड में इसको रख दीजिएगा अब आपने इसको एयर फ्राई करना है वन डिग्री पे तकरीबन ट्वेंटी मिनट्स के लिए

उनको ज़रूर ले लीजिएगा आइसबर्ग लेटस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं साथ ही आप सैलड लीव्स यूज़ कर सकते हैं खीरा यूज कर सकते हैं गाजरें खा लें तो मतलब जो भी आपको फ्रेश सैलड आपके पास अवेलेबल हो इसके साथ आपने बहुत सारा वो सैलेड खाना है टेस्ट वाइज बहुत ही परफेक्ट बनता है और लुक भी आप देखें कितनी प्यारी आ रही है और इससे जो है ना आपका पेट भी भर जाएगा और भूख का एहसास भी नहीं होगा नेक्स्ट काफ़ी देर तक आपको बल्कि डिनर में खा रहे हैं तो सुबह तक आप इजी रहेंगे अच्छा जी चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा जी नेक्स्ट सूप की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ सबसे पहले हल्का सा इसी तरह से मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया था इसमें थोड़ा सा लसन अदरक का पेस्ट डाला इसके बाद मैंने तीन बड़े साइज में मेरे पास बिल्कुल फ्रेश से टोमेटोज थे वो मैंने इसमें ऐड कर लिए नमक डाल दिया हसबे जायका हसबेज जरूरत डाल दीजिएगा साथ ही इसमें आपने डाल देनी है काली मिर्च का पाउडर ये भी आपकी मर्जी है जितना आपको पसंद हो उतना डाल दीजिएगा तो ये मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बड़ा सा टोमेटो सूप और ये तो बहुत ही हेल्दी है अगर आप इनफैक्ट बच्चों को भी देंगे ना तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और टेस्ट वाइज भी ये बहुत ही अच्छा बनता है और मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ने बहुत ही इजी सी मतलब समझ लें सिंपलेस्ट रेसिपी है ये टोमेटो सूप की इसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें आप एक दार चीनी का टुकड़ा ऐड कर दें और बस इसको हल्के से आपने भून लेना है फिर आपने इसमें डाल देना है चिकन स्टॉक ठीक है चिकन स्टॉक आपने बना के रखा हो अगर नहीं भी रखा हो तो फिर आप इसको फ्रेशली भी प्रिपेयर कर सकते हैं वैसे कोशिश किया करें कि थोड़ा बहुत बना के आप रख लें क्योंकि ये यूज़ हो जाता है किसी ना किसी चीज़ में तो बस वो मैंने इसमें डाल दिया था इसको पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट ये मीडियम आँच पे पकता रहा इसके बाद आपने क्या करना है कि इन टमाटरों को ना आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें या इसके अलावा आप जो है ना ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लें जिस तरह से भी आपको इजी हो ब्लेंड कर लीजिएगा अच्छा मैं इसको ना स्टेन नहीं करती है ममूमन इसको क्या किया जाता है कि इसको ना थोड़ा सा स्टेन कर लिया जाता है लेकिन ये इस तरह परफेक्ट है आप इस सूप को इन्जॉय कीजिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं तो उसके लिए फिर से मैंने एक ले लिया फ्राइंग पैन इसमें डाल दिया थोड़ा सा ऑलिव ऑयल साथ ही इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा ना फ्रेशली चॉप लहसन अदरक और इसके बाद इसको मैंने थोड़ा सा सौदे किया और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया जीरा ठीक है जी साबुत सफेद ज़ीरा इसमें मैंने डाल दिया अच्छा ये चीज़ें मैं ना अंदाजे से डाल रही होती हूँ परफेक्ट

सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना ठीक है क्योंकि हम यही चाह रहे हैं ना कि हेल्दी डाइट हम लें तो बस सब्जियाँ अगर आप बहुत ज़्यादा गला देते हैं ना तो उनका फ़ायदा बिल्कुल खत्म हो जाता है इसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया थोड़ी सी काली मिर्च है अच्छा चिकन चंक्स अगर आप मार्केट वाले यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी अच्छा खासा मसाला होता है तो बस उसके हिसाब से ध्यान से डालिएगा अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ ओट्स तो इतनी जो क्वांटिटी मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना इसमें चार टेबल स्पून अगर आप ओट्स डाल देते हैं तो ये इनफ हो जाता है ठीक है इससे एक अच्छा बॉल जो है ना हमारा बन के रेडी हो जाएगा तो तकरीबन चार टेबल स्पून मैंने इसमें ओट्स के डाल लिए हल्का सा इसको भून लिया था इतना के ओट्स जो है ना इनके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए बस इससे ज़्यादा नहीं भूनना इसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना तो यहाँ पर तकरीबन मैंने एक ग्लास इसमें पानी डाल दिया था इसको मैंने ढक के रख दिया था और 10 मिनट इसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया था अच्छा इंस्टेंट ओट्स है तो फटाफट बन जाते हैं 10 मिनट ही लेंगे अगर आपके पास दूसरे चक्की वाले ओट्स हैं यानी कि देसी ओट्स जो होते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग पानी डालिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही इसको पका लीजिएगा तो ये देखें कितना अच्छा टेस्टी सा ना देखने से ही लग रहा है कितना हेल्दी हमारा मील प्रिपेयर हो गया इसको आप डिनर में ले सकते हैं और अच्छा एक चीज़ और डिनर आप जब भी लेंगे ना तो डिनर से पहले आपने वॉक करनी है ठीक है मतलब रात में आठ बजे का टाइम डिनर का है ना तो आपने अच्छी सी एक वॉक करनी है पहले इतनी अच्छा वॉक करने के बारे में आपको बता दूँ टाइमिंग्स मैं आपको कोई नहीं बता रही आपने खुद अपनी वॉक को देखना है कि आप किस तरह से जब आप स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर थोड़ा टाइम देते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम को इंक्रीज करते जाते हैं ठीक है थीके? तो उस हिसाब से वॉक करेंगे आप नेक्स्ट रेसिपी की तरफ आते हैं तो इसके लिए यहाँ पर फिर मैंने जो है ना ऑयल ले लिया था इसमें मैंने लहसन अदर का पेस्ट डाल दिया चिकन जो है ना इसको मैंने जूलियन कट कर लिया था और इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था नमक काली मिर्चें और सोया सॉस से और इसके बाद मैंने हल्के से फ्राई कर लिया साथ ही इसमें मैंने बंद गोभी सॉरी शिमला मिर्च और गाजर इसमें मैंने डाल दी थी और इसको ही मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था ठीक है जी इसके बाद जनाब हमने इसमें बाकी जो चीज़ें डाल रही हूँ आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कॉर्नस ले लिए थे स्वीट कॉर्नस या मार्केट वाले आपके पास हैं तो ऐड कर लीजिएगा नहीं है तो बेशक स्किप कर दीजिएगा साथ ही इसमें मैंने डाल दी बंद गोभी और ये तमाम सब्जियाँ ना हमने अच्छे से इसमें फ्राई कर लेनी है अच्छे से मुराद ये है कि बस जब तक जो है ना ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए तो ये हमने इसमें फ्राई कर ली और अब जनाब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सिरका ठीक है अप टू योर टेस्ट है जितना आपको पसंद हो डाल दीजिएगा इसके बाद इसको मैंने हल्का सा पका लिया और मैंने इसको बंद कर दिया था अब मैंने ये पास्ता बॉयल करके रखा हुआ था बॉयल्ड पास्ता हम इसमें डाल देंगे अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी जो है ना वो सॉसिस और बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले क्योंकि वो थोड़े बहुत जो है वो मैं यहाँ पर डालूंगी एंड पे अब इसको दम लगा दूंगी तो नमक मैं पहले डाल चुकी थी मैंने इसमें डाल दी काली मिर्चें थोड़ी सी डाल दी चिली सॉस थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर लीजिएगा अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस है तो वो डाल लें और बस आ, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं अच्छा इससे आपने जब आप ये वाला मेन्यू अपना फॉलो कर रहे हो ना तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी आप चिकन क्यूब देखें मैंने किसी चीज़ में नहीं डाली ठीक है मतलब मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ ऐड ना करूं ठीक है और अगर चाइनीज़ सॉल्ट अव्वल तो अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो भी कोशिश करें कि आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो यहाँ तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ढक्कन दे दिया और इसको दम पे लगा दिया नेक्स्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जो डाइट टिक्का और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है तो यहाँ पर बस मैंने सिंपल जो है ना लेमन जूस ले लिया था और इसमें मैंने डाल दिया हाफ पैकेट तकरीबन तो मेरे पास था तंदूरी मसाले का और हाफ पैकेट था चिकन टिक्का मसाला दोनों को मैंने मिक्स कर लिया था इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर दी थी दही से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है ठीक है और आपकी मर्जी है अगर नहीं ऐड करना चाह रहे तो बेशक ना कीजिएगा बट मैंने इसमें ऐड कर दी और क्वानिटी ज़्यादा आपको इसलिए लग रही है क्योंकि ये मैं बाकायदा डिनर के लिए सबके लिए बना रही हूँ तो अगर आपने अपने लिए बनाना है तो आप उस हिसाब से रेटी एडजस्ट कर लीजिएगा तो ये मैंने इसमें मसाला डाल दिया इसको अच्छे से मिक्स कर दिया मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन तीन घंटे के लिए तीन से चार घंटे मैरिनेट होगा बड़ा अच्छा सा मैरिनेट हो जाता है इसके बाद जी हमने इसको बारबेक्यू कर लिया था और ये बहुत ही अच्छा सा हमारा डिनर जो है ना ये प्रिपेयर हो गया था और ये भी बहुत हेल्दी डिनर है क्योंकि देखिए बिल्कुल ऑयल फ्री आ रहा है तो ये आ गया जी चिकन टिक्का और इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा चलते हैं जी आज की की लास्ट रेसिपी की तरफ और यहां पे मैं बनाने जा रही हूं, डाइट कबाब तो इसके लिए मैंने सबसे पहले लहसन अदरक का पेस्ट डाल दिया था साथ ही मैंने इसमें चने की दाल डाल दी थी चिकन मैंने ले लिया था बोनलेस लें ले ले या बोन्स के साथ ले लें ले। इसमें, इसमें थी आ, साबुत काली थी साबुत लौंग थी इसके अलावा इलायची थी और साथ ही साथ दालचीनी और साथ ही साथ कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर लीजिएगा एज पर योर टेस्ट नेक्स्ट इसमें मैंने पानी डाल दिया पानी डाल के इसको हम पकने के लिए रख देंगे इसको गलाने के लिए और थोड़ा सा इसमें मैंने फिर से ऑलिव ऑयल डाल दी इससे जरा खिला खिला टेक्सचर आ जाता है इसके बाद इसको आप बेशक चॉप कर लीजिए ग्राइंड कर लें जो जिस तरह से भी आपको इसमें जो है ना पसंद हो वो आपने कर लेना फिर मैंने इसमें सब्जियां ऐड कर दी और इसमें थी हरा धनिया था पुदीना था हरी मिर्ची थी और प्याज था इनको भी मैंने इस तरह से चॉप करके और इसमें डाल दिया एक अंडा मैंने इसमें ऐड कर दिया था इसके कबाब बना के आप रख लीजिए फ्रीज कर लें इनको ये आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे लंच या डिनर जो भी आप लेना चाहें जिस तरह से लेना चाहें एक अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है और बड़ा सा ऑप्शन आपको मिल जाता है तो यहाँ पर ये मेरे कबाब रेडी हो गए थे इसको आपने फ्राई करना है बिल्कुल हल्के से ऑलिव ऑयल के साथ मतलब समझ लें एक टी स्पून ऑलिव ऑयल डालें उसमें ये तीन से चार कबाब ईजीली आपके फ्राई हो जाएंगे साथ ही साथ आपने इसके फ्रेश वेजिटेबल ले लेनी है तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को सब ऑप्शन पसंद आएंगे फीडबैक जरूर दीजिएगा